नंदनवन थाना अंतर्गत एक 36 वर्षीय युवक द्वारा एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने का मामला हाल ही में सामने आया था, जिस पर नंदनवन पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने में कामयाबी हासिल की। शहर में दिन प्रतिदिन आपराधिक गतिविधियों में इजाफा होता देखा जा रहा है। इस बीच नंदनवन पुलिस थाना अंतर्गत एक 9 वर्षीय मासूम लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल को 9 वर्षीय पीड़िता अपने घर के आगे खेल रही थी और फिरियादी यानी पीड़िता की माँ उस वक्त घर में काम कर रही थी। फिरियादी ने उसकी बेटी को बुलाया, तब 2-3 बार बुलाने पर जब बेटी नहीं आई तो पीड़िता की माँ ने बाहर जाकर देखा कि उसकी 9 वर्षीय बेटी की हालत बेहद विचित्र दिखी। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक मुख्तार शेख ने अधिक जानकारी साझा की। मैं पुलिस इंस्पेक्टर मुख्तार शेख, पीएस नंदनवन पुलिस स्टेशन। हमारे यहाँ पे 15 अप्रैल 2021 को कुछ सुबह 11:15 बजे के करीब एक घटना हुई थी रेप के बारे में। एक छोटी बच्ची की रेप हुई जो 9 साल की है और मतिमंद है। वो ये घटना है हिवरे नगर की, और जिसमें कि जो फिरियादी है और आरोपी है, इनका घर बिल्कुल बाजू बाजू में है। आरोपी है, इसका दो भतीजा है, कोई चुलत भतीजा है उसका। उसके घर में यह 10 दिन से कुछ रह रहा था, क्योंकि उसके घर वाले कोई शादी वादी के लिए घर में बाहर गए थे, उसके भतीजे की फैमिली जो है, तो ये उस जगह पे रह रहा था, अकेला ही रह रहा था। तो ये जो लड़की है कि 15 तारीख को 11:15 बजे अपने घर के सामने खेल रही थी, और उसकी माँ जो है, जैसे कि फिरियादी है, ये फिरियादी अपने घर में कुछ बर्तन वगैरह घस रही थी, अपना काम कर रही थी, घर का काम कर रही थी, और जब अचानक वो बाहर आई तो ये लड़की यहाँ पे दिखी नहीं उसको। इसने लड़की को आवाज़ दिया तो लड़की एक दो आवाज़, तीसरी आवाज़ के बाद में वो लड़की जो है कि आरोपी के घर से बाहर निकलती दिखी। आरोपी घर से बाहर निकलती दिखी तो उसका जो एक पाइचा जो था, जैसे कि उसने हाफ पैंट पहनी थी और हाफ टी शर्ट पहनी थी, तो उसका जो हाफ पैंट थी तो उसमें दोनों एक ही बाहें में दोनों पैर उसके डाले हुए थे, और उसके जो हाथ थे, हाथ पे कुछ चिकट चिकट सा वाइट कलर का पदार्थ जिसको बोलते हैं, वो उसको उसकी माँ को दिखा, वो बात जो फिरियादी को दिखा। तो इसने इसके बारे में चौकसी किया, लड़की तो बोल नहीं पा रही थी, फिर उन्होंने ये किया, पूछताछ किया, आजू बाजू में किया। उसके बाद में 5:30-6 बजे वो हमारे पास आई और बोली ऐसे घटना हो गई है। फिर हमने तुरंत ही उसको मेडिकल किया और गुनाह दाखिल किया इसके अंदर। तो आज हमने जो है कि इस आरोपी को हम 2 दिन से ट्रैक कर रहे थे, आज हमने ये आरोपी चिमूर से लेकर आए इसको, और ये उम्र की इसकी उम्र है अभी 36 साल, मैच्योर्ड है पूरा। और आरोपी का बोलना है कि उसने मद्यप्रशन किया था, कुछ दारू पिया था, उसके नशे में उसने वो किया है घर पे। तो ये सब घटना जो है कि बहुत ही ये थी, क्योंकि हमने उसके अंदर पोक्सो भी लगाया हुआ 4-8-12 और 376 के अंतर्गत हमने गुनाह दाखिल किया 210/21, ये नंदनवन पुलिस स्टेशन पे दर्ज है। देश में दिन प्रतिदिन बलात्कार जैसे मामलों में बढ़ोतरी होती देखी जा रही है। इन चीजों पर जल्द से जल्द रोकथाम लाना अब बेहद जरूरी हो गया है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BC News, नागपुर।